प्रोग्राम काउंटर क्या होता है अध्ययन? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस्ड. MAR क्या होता है? द एड्रेस करंट एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड. MDR क्या करता है अब्दुल्ला वसीम? वैसे ही बता दो MDR क्या करता है. नहीं बता जो करंट डेटा इस वक्त जो कंटेंट्स होते हैं ना मेमोरी के कंटेंट्स उठा के MDR में रखे जाते हैं. CIR क्या करता है अब बताएं? नहीं इसमें एक लफ्ज और भी था. That is about to be decoded or processed. It is kept in the current instruction register where control unit comes and decodes the instruction and accordingly the functions are performed. ठीक है. इसके बाद एक मिनट. IX क्या होता है? IX register कौन सा है? Index register. करता क्या है? इंडेक्स एड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है. ये आपने लिखा था इंडेक्स एड्रेसिंग लिखा था कि नहीं लिखा था? ओके लिख लें अपने पास. कल एग्जांपल भी लिखी थी इसकी. यू कैरिंग आउट इंडेक्स एड्रेसिंग ऑपरेशंस इन असेंबली को. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो ना कहीं पे LDX 145 एंड इन पैरेलल IX में वैल्यू पड़ी हुई है 3. IX में वैल्यू पड़ी हुई है 3 तो इनिशियली क्या होगा? 145 प्लस 3 148. इट इज द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर कॉन्टेंट्स will be loaded into the accumulator. It is the memory location from where the contents will be loaded into the accumulator. एक सेकेंड. अगर मेन मेमोरी इस किस्म की है यहां पर 012 है 148 और यहां पे पड़ा हुआ था लेट से -15 तो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा? -15 आके स्टोर हो जाएगा. एक्यूमुलेटर में -15 आके स्टोर हो जाएगा. जी सर ये 145 की जगह 148 ही क्यों लेते हैं? अक्सर औकात इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जहां पे एक खास चीज जो उनसे एक सर्टन लोकेशन पर रखी हुई होती है बार बार उसको कोई भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एक टास्क को जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने करंट एग्जीक्यूशन के मुताबिक तो इंडेक्स रजिस्टर बताता है उसको कि कितने लोकेशंस अवे वो डिवाइस ड्राइवर मौजूद है जो आपको भी चाहिए आपको भी चाहिए आपको भी चाहिए. समझ आ रही कि नहीं? रेफरेंस देने के भी काम आता है समटाइम्स ये. तो लिख लें अपने पास इसको. इट स्टोर्स द नंबर दैट विल बी यूज्ड टू चेंज एन एड्रेस वैल्यू. इंडेक्स रजिस्टर स्टोर्स अ नंबर दैट विल बी यूज्ड. इंडेक्स रजिस्टर stores a number that will be used to change लिखें that will be used to change an address value that will be used to change an address value in indexed addressing mode. और ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे एक प्रोग्राम है ना महद अपने एक सीक्वेंस में चल रहा है नीचे की तरफ मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट की फिर ये लाइन एग्जीक्यूट की फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की लेकिन एक लाइन उसको इस तरह की चाहिए जो अभी इधर पड़ी हुई है तो वो क्या करेगा अपने नॉर्मल फ्लो में इतनी लोकेशन उसके अंदर प्लस करके इंडेक्स रजिस्टर को देख के यहां से डेटा फेच करेगा दोबारा अपने इसी पार्ट में आ जाएगा. समझ आ रही बात है कि नहीं? ये तो समझ आ गई. जी जी सर
कोई भी हो सकता है ये तो कल मैंने कुछ और लिया था नहीं लेकिन मतलब 145 प्लस 3 की जगह डायरेक्ट क्यों नहीं 148 एक मोड इंडेक्स एड्रेसिंग है मोड यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जो तो किसी और किस्म से वो चीजों को हैंडल करेगा फिर तो 145 में से डेटा को जाके 148 में से डेटा को उठाएगा वो है डायरेक्ट मेमोरी को एड्रेस करना एक है दूसरी तरह से मेमोरी को एड्रेस करना कि किसी और वैल्यू को उसमें ऐड करके फिर उस जगह से जाके डेटा को पिक करना सिर्फ इंडेक्स एड्रेसिंग में ये इस्तेमाल होती है जैसे मैं अभी तो लो लेवल लैंग्वेज तो अभी आपने देखी नहीं ना असेंबली लैंग्वेज आपने नहीं देखी हुई तो ये थोड़ा प्रायर टू द टाइम होगा थोड़ा सा वेट करें जैसे ही ये जिस लम्हे पे ये टॉपिक्स मेरे खत्म होते हैं फिर मैं जब वो कराऊंगा तो फिर एक एक मोड की यूजेजेस आपको सामने आ जाएंगी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा टाइम देखता हूँ कितना टाइम लगेगा इंडेक्स एड्रेसिंग तक पहुँचने में हमें नेक्स्ट वीक तक हम जाएंगे इंडेक्स एड्रेसिंग तक फेच एग्जीक्यूट साइकिल अभी टाइम है मतलब नेक्स्ट वीक लग जाएगा इसमें नेक्स्ट चैप्टर तक हम पहुंचेंगे फिर मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा अभी सिर्फ रजिस्टर्स को अंडरस्टैंड करें अभी इस मोड को ना अंडरस्टैंड करें ये बात समझ रहे हैं कि नहीं ये है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको ठीक है अभी हम सिर्फ रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं जैसे रजिस्टर्स पढ़ते हुए अगर आप मिसाल के तौर पे हफ्ता पहले मुझसे पूछते ना सर ये CIR क्या होता है या इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है तो मैं कहता थोड़ा सा इंतजार करें वो आएगी तो उसकी बारी हम डिस्कस कर लेंगे तो इसी तरह से अभी सिर्फ एक एज अ रेफरेंस एग्जांपल में दे रहा हूँ कि ये रजिस्टर ये बड़ी एक कह लें कि डिटेल्ड बात लिखी हुई है अगर आप इसकी तरफ तवज्जो दें कि ये स्टोर करता है एक नंबर जैसे प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता था एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये क्या है एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन ये क्या स्टोर करता है कॉन्टेंट्स ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन या करंट प्रोसेस ये क्या करता है डिकोडेड इंस्ट्रक्शन जो कि करंट होती है जो ये सारे करंट से काम कर रहे हैं कोई एड्रेस है कोई कॉन्टेंट्स है कोई डिकोड कर रहा है इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है ये लिखा हुआ है नंबर दैट विल बी यूज टू चेंज एड्रेस इन इंडेक्स्ड एड्रेस अगर आप पूछेंगे ये क्या चीज होती है इसके लिए थोड़ी सी हमें मेच्योरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट मेच्योरिटी चाहिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़े होंगे फिर हम इसकी तरफ जाएंगे नहीं अभी ही हफ्ता दो हफ्ता इंतजार करके समझ आ रही है मेरी बात की नहीं हफ्ता दो हफ्ता खैर मतलब जितने भी लेक्चर्स बनते हैं ये टॉपिक से एड्रेस हो जाएंगे तो इंडेक्स एड्रेसिंग इस वक्त सिर्फ आप क्या चीज पढ़ रहे हैं रजिस्टर क्या है इसी तरह से यहां तक बात समझ आ रही है एक पॉइंट लिखें इफ द एड्रेस इज एन इंडेक्स एड्रेसिंग इफ द एड्रेस इज एन इंडेक्स्ड एड्रेस देन Add the contents of index register. Then add the contents of index register and operand. Add the contents of index register and operand to get the address. To get the address from where the actual data is to be fetched. एक आखिरी रजिस्टर है वो है आपका स्टेटस
रजिस्टर। अब ये एक बड़ी खास बात है, बाकी जितने भी रजिस्टर्स हैं सुनना, स्टेटस रजिस्टर एक वाहिद रजिस्टर है जिसके अंदर हर बिट जो सी है वो एज अ यूनिक वैल्यू के तौर पर ट्रीट की जा रही होती है। बाकी जितने भी रजिस्टर्स हैं उनकी तमाम रजिस्टर की वैल्यू एज अ होल एक वैल्यू तस्वर की जाती है। अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 की 8 बिट्स एक रिप्रेजेंट कर रही होंगी, उसको डेनरी में कन्वर्ट करके या उसको डिकोड करके जो भी वैल्यूज की आएगी। स्टेटस रजिस्टर एक वाहिद रजिस्टर है जिसमें एज अ होल 8 की 8 बिट्स यूनिक बात नहीं होती, एज अ यूनिक नंबर या यूनिक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, हर एक बिट एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट इज अ फ्लैग, वो या तो 1 होती है या तो 0 होती है। उसके 1 एक हर 8 बिट्स है ना, तो हर बिट के 1 या 0 होने के ऊपर एक अलग टास्क परफॉर्म किया जाता है, या एक अलग टास्क परफॉर्म होने की वजह से वो बिट 1 हो जाती है। कोई इंटरप्ट आएगी तो वो अपनी वैल्यू 1 कर देगा, कोई ओवरफ्लो आएगा तो वो एक खास कोई और बिट होगी वो अपनी वैल्यू 1 कर देगी, आंसर नेगेटिव हो गया तो कोई और बिट है वो अपनी वैल्यू 1 कर देगी। यानी कि हर बिट जो सी है वो इंडिविजुअली ट्रीट कर रही है, इंडिविजुअली बिहेव कर रही है, उसका बाकियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह ये जो प्रोग्राम काउंटर था, लेट्स से अगर एक एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल, सुन लें, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस था कितना, मिसाल के तौर पे कोई भी एड्रेस बोलें 168, ओके। अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर 68 है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, ये जो सा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ होल, ये 68 का एड्रेस है, ये 68 का क्या है, इट इज एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरी जो बिट्स हैं ये सारी एज अ होल एज वन एंटिटी के तौर पे ट्रीट कर रही हैं, मान रहे हैं कि नहीं। स्टेटस रजिस्टर में क्या होता है, इसमें जितनी भी बिट्स होती हैं वो सारी की सारी जो है ना वो आपस में किसी के साथ एज अ होल एज अ ग्रुप नहीं ट्रीट की जाती, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। जरा मैं जब इस पूरी रजिस्टर के सेगमेंट्स बनाऊंगा, अब यहां पर 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 भी, 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 एज अ होल एक कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं ट्रीट किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। अब ये क्या होगा, लेट्स से कैरी फ्लैग, फ्लैग किसको बोलते हैं, फ्लैग हर उस चीज को बोलते हैं विच कैन गिव यू टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ऑन या ऑफ, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, समझ आ रही है कि नहीं। तो उस कैटेगरी को आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं फ्लैग, क्लियर हो रही है, बूलियन बात जिसको आप कहते हैं 1 या 0। ये कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग कब आता होता है, जब आप चीजों को ऐड कर रहे हो एंड देयर कम्स अ कैरी एट द एंड ऑफ द आंसर, जब चीजों को ऐड कर रहे हो आंसर पूरे का पूरा 0 आ जाए तो एक फ्लैग कैसा होगा, 0 फ्लैग। अब दो 8 बिट्स की वैल्यूज को आप ऐड करें और आंसर 9 बिट्स में चला जाए तो वो कौन सा फ्लैग होगा, ओवरफ्लो फ्लैग होगा, कौन सा फ्लैग होगा, ओवरफ्लो फ्लैग होगा, ठीक है। एक होगा नेगेटिव फ्लैग होगा, 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें एक नेगेटिव आंसर आ जाए, आ सकते हैं ना, आ सकते हैं ना, 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके जो सेकेंड लास्ट बिट होती है अगर उनको ऐड करेंगे, मतलब 0 0 और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे भी 1 हो यहाँ पे भी 1 हो, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना, 0 लिखा हुआ तो पॉजिटिव है, ये भी कौन सा नंबर है, 0 लिखा हुआ तो पॉजिटिव है, आप इनको ऐड करें यहाँ पे जो मर्जी आए लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 0, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है इन एरर्स से, कंप्यूटर कैसे खुद को रोकता है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव आंसर कहीं ना आ जाए, वो इन फ्लैग्स की वैल्यूज को सेट कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ फ्लैग्स किस किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं इंटरप्ट फ्लैग्स होते हैं, इंटरप्ट आई है तो कहते हैं, कंप्यूटर कहता है ना कि इफ देयर कम्स एन इंटरप्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी टास्क प्रोसेसर गोज एंड चेक्स एन एरिया ऑफ द मेमोरी, अगर ये 1 हो गया तो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि देयर इज एन इंटरप्ट, एक इंटरप्ट आई थी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रही, समझ आ रही। प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि इंटरप्ट आएगी, प्रोसेसर हर दफा एक टास्क परफॉर्म करने से पहले
रजिस्टर्स में स्टेटस रजिस्टर की एक जगह को आके चेक कर लेता है कि अगर ये वन हुई तो इंटरप्ट आई होगी। तो आप फील कर रहे हैं कि नहीं इन, अब देखें आप कह सकते थे कि सर क्यों ना इसको एक एक बिट का रजिस्टर बना लें अलग से। तो ये बात याद रखें, मिनिमम साइज ऑफ रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट्स। अगर एक बिट का रजिस्टर बनता फिर तो स्टेटस रजिस्टर की एग्जिस्टेंस ना होती, हर एक एक बिट के अलग अलग रजिस्टर्स बन रहे होते और 8 एक एक बिट वाले रजिस्टरों को मिला के तो एक प्रोग्राम काउंटर का एक बड़ा रजिस्टर बनता फिर, क्योंकि मिनिमम यूनिट ऑफ द मेमोरी फिर 1 बिट हो जाती। समझ आ रही कि नहीं? सो मिनिमम यूनिट ऑफ द मेमोरी इज 1 बाइट, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द रजिस्टर इज हाफ एडर फ्लैग या हाफ कैरी फ्लैग। यस, हाफ कैरी फ्लैग एंड एक्सेट्रा, ये याद भी नहीं करना है, वो तीन चार सिर्फ पता होने चाहिए सो दैट यू कैन पुट सम वेट इन योर आंसर व्हाइल एक्सप्लेनिंग। यस, यू सो दैट यू कैन पुट सम वेट इन योर आंसर, यू शुड नो सर्टेन नेम ऑफ द फ्लैग्स। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैग्स आर द वन दैट आई रोट इन विद ब्लू पेन। ओवरफ्लो फ्लैग के लिए वो ओ नहीं इस्तेमाल करता, वो वी इस्तेमाल करता है, इसके लिए जी इस्तेमाल करता है, इसके लिए सी इस्तेमाल करता है, इसके लिए एन इस्तेमाल करता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सो तो स्टेटस रजिस्टर का लिखें, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फ्लैग्स को समझ रहे हैं? फ्लैग्स क्या होते हैं? फ्लैग्स कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। कितने वैल्यूज हो सकते हैं? ओनली टू स्टेट्स या वैल्यूज, ठीक है? या तो इसकी वैल्यू क्या होगी महद? जीरो होगी, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। जीरो बोले तो फॉल्स, वन बोले तो ट्रू मानी जाएगी, ठीक है? तो इसमें हर बिट जो सी है ना एज अ यूनिक मैसेज कैरी कर रही होती है। क्लियर हुआ मेरी बात कि नहीं? यस, Z is zero flag, V is overflow, N is negative, C is carry. Then these doesn't matter ke whatever name, number ya alphabet you give them, whatever the sequence is, doesn't matter. ठीक है, ये तो जो processor जिसने बनाया होता है वो बता देता है कि ये order है उसका। ठीक है, तो लिख लें, it contains bits which can be set or reset. SR. स्टेटस रजिस्टर के लिए लिखवा रहा हूं, इट कंटेन्स बिट्स विच कैन बी सेट कंप्यूटर में। सेट का मतलब क्या होता है? वन करना। रीसेट का मतलब क्या होता है? जीरो करना। ए टू में अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है? सेट रीसेट सर्किट, फ्लिप फ्लॉप है ना, एक एस आर है, एस आर जेके है ना, जैक एंड किल भी जेके फ्लिप फ्लॉप और एक है एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा सेट रीसेट, ठीक है? सेट का मतलब होता है वन करना, रीसेट का मतलब होता है जीरो करना, ठीक है? सेट का मतलब वन, रीसेट का मतलब जीरो। अच्छा, तो आपने क्या लिखा? कंटेन्स बिट्स विच कैन बी सेट और क्लियर्ड, विच कैन बी सेट और क्लियर्ड या रीसेट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस। Depending on the operations during arithmetic or logic processing, arithmetic or logic processing. ये वन कब होगा? Set to 1 when arithmetic addition gives a set to 1 when arithmetic addition gives a negative answer. ये क्या है?
दिस इज सेट टू वन व्हेन अरिथमेटिक एडिशन गिव्स एन ओवरफ्लो रिजल्ट. दो 8 बिट की वैल्यूज कैन गिव यू 9 बिट आंसर. ठीक है, जीरो फ्लैग कब होता है? ये किसका आ गया? ये एन का आ गया, ये वी का आ गया और जेड का. जेड का क्या होगा? दिस इज सेट टू वन व्हेन अरिथमेटिक एडिशन गिव्स अ जीरो रिजल्ट. एडिशन भी हो सकती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. और क्या आ गया? नेगेटिव का जब भी कभी कोई नेगेटिव कैलकुलेशन हो, वन हो जाएगा. ओवरफ्लो का जब भी कभी कोई आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें और ओवरफ्लो आ जाए. जीरो का तब जब आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, अरिथमेटिक या लॉजिक, उसका आंसर जीरो आ जाए. और कौन रह गया? कैरी. कैरी तब होता है जब भी आप कभी कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो उसमें एक कैरी आ जाए. ठीक है, सी कैरी का भी लिख लें. व्हेन कैलकुलेशंस रिजल्ट्स इन अ कैरी. ठीक है जी, कैलकुलेशंस रिजल्ट्स इन अ कैरी. फॉर एग्जांपल, मैं मुख्तलिफ केसेस जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, 0 1 1 1 0 1 1 1, इनको लिखें जरा जल्दी से. 000 एक दो तीन चार पांच, इनको ऐड करेंगे आप. को ऐड करेंगे, ऐड करने से नेगेटिव फ्लैग इन फ्लैग्स की वैल्यू क्या होगी? ये भी जीरो हो जाएगा. ये वन 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 वन, जीरो वन कैरी चला गया, वन और वन कैरी चला गया, जीरो और वन, यहाँ पे क्या आ गया? वन. ओवरफ्लो भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया. ठीक है, ओवरफ्लो भी हो गया और इसका नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि ये भी कौन सा था? हाँ, पॉजिटिव. और ये भी क्या था? पॉजिटिव. तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. और ये आखिर में ठीक, टूज कॉम्प्लीमेंट वाली, टूज कॉम्प्लीमेंट वाली. ठीक है, तो कंप्यूटर को इन फ्लैग्स की मदद से पता चल जाएगा एन एरर हैज अकर्ड. ठीक है, इंडिकेट्स एन एरर हैज अकर्ड पोस्ट एडिशन. आफ्टर एडिशन एक एरर आके अकर हुआ है जिसको प्रोसेसर अकॉर्डिंगली इनकाउंटर करता है. ठीक है, which is encountered by the processor accordingly. एक और एग्जाम्पल है जी बेटा, ओवरफ्लो का वाई, वी वी कहां पे वाई लिखा हुआ? बाकी सारों को देख लो, अगर ये नजर सही नहीं आ रहा. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1, इन दोनों को ऐड करें. इसमें भी फ्लैग्स का स्टेटस देखते हैं, नेगेटिव, ओवरफ्लो, कैरी, जीरो, वन 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 वन, जीरो जीरो वन, जीरो वन. ठीक है, तो इसमें दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो, आंसर क्या आ रहा है?
नेगेटिव ही आ रहा है लेकिन ज़्यादा बिट्स में आ रहा है, ठीक है। कितनी 8 बिट्स को ऐड करके 9 बिट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें ओवरफ्लो भी हो रहा है, कैरी भी हो रहा है, ज़ीरो नहीं हो रहा, और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा, नेगेटिव को ही ऐड करके नेगेटिव ही आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है। कैरी क्योंकि जब ये आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या चला गया, आखिरी कैरी गया, यहाँ पे तो कैरी एंटरटेन हो जाते हैं ना बीच में ही, इसका कैरी कौन एंटरटेन करता है, ये आ गया आखिर में आपके पास कैरी, वन वन कितना हो गया, जीरो, वन ऊपर चला गया, एंड वाला, एंड वाला कैरी। असल में हर हर फ्लैग की वैल्यू देख के बताई जाती है कि ओवरफ्लो भी है और कैरी भी है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसेसर आइडिया लगाता है कि ये नेगेटिव नंबर्स थे और उसमें फिर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव भी वन हो जाए तो मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स थे, दो पॉजिटिव ऐड किया और नेगेटिव आंसर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसेसर क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा encountered या managed या handled accordingly, obviously AS A2 में सारी signed ही है, समझ आ रही है कि नहीं। So यहाँ पे ये था कि दो negative numbers are added, the answer should be negative, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँ तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि रजिस्टर्स हमारे सेम साइज के होते हैं, तो ये इधर लिखा नहीं जाएगा, ये आंसर यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, क्लियर हो रही मेरी बात, ये उनके स्टेटस के मुताबिक कंप्यूटर रिजल्ट निकालेगा कि अच्छा दो 8-8 बिट्स की वैल्यूज को ऐड किया, आंसर दोनों नेगेटिव थे, आंसर पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब है गो एंड चेक द स्टेटस ऑफ द स्टेटस रजिस्टर, और उधर से पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें यह मसला आया था, तो वो इसके हिसाब से देख लेता ना, जब इन दोनों को देखता है फिर वो खुद ही यहाँ पे वन कंसीडर करके यूजर को दिखा देता है, ठीक है, ये बात कि नहीं, रजिस्टर का साइज रजिस्टर को बड़ा नहीं करता, रजिस्टर उधर ही है, या तो यूं बोल रहे हैं कि दो 8 बिट के रजिस्टर्स को ऐड करने के लिए एक 9 बिट का रजिस्टर आप बना लें, 9 का तो होता नहीं है तो 16 बिट का होता है, तो सिर्फ एक बिट की खातिर इतना बड़ा रजिस्टर आप बनाएंगे अपने लिए, नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए बेहतर क्या होता है, स्टेटस रजिस्टर की सिंगल सिंगल फ्लैग्स के तौर पर उन बिट्स को इस्तेमाल किया जाए, अकल ये कहती है, अगर आप एक बिट का इजाफे के लिए 8 बिट्स और ऐड कर लेंगे फिर आपको ऊपर भी 8 डालनी चाहिए, इधर भी 8 डालनी चाहिए कंपैटिबिलिटी के लिए, बिकॉज बसेस में भी तो डेटा ट्रांसफर करना होता है ना, बसेस पे डेटा जो फ्लैग के साथ जो है वो ट्रांसफर, नहीं नहीं मैं इस डेटा की बात कर रहा हूँ, फ्लैग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। कैरी जब जनरेट हो गया तो कैरी तो जीरो तो होता ही नहीं, कैरी तो वन ही होगा, तो वन आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर हुई, ये मैंने लिखा यार तुम्हें समझाने के लिए, यार इसका आंसर क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 महत, बिल्कुल ही जो इंसाना कंगफू पांडा हो आप भी, समझ आ रही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।